आज का युमा टेलीविजन के प्रोग्राम में मैं आपका दोस्त मोंटू मलिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं विद्या मंदिर विद्यालय के संकुल में। दो पांच के आज के एपिसोड का हमारा सवाल है कि 11,111 में एक कितनी बार आता है। आप सोचिए, फिर से मैं मेरे सवाल को दोहरा रहा हूं कि 11,111 में एक कितनी बार आता है। और इसी सवाल के साथ हम जाएंगे विद्या मंदिर विद्यालय के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के पास और चेक करेंगे उनके कॉमन सेंस। विद्या मंदिर विद्यालय के लाइब्रेरी में हम अभी आ चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है और वही सवाल हम इनसे पूछेंगे। सवाल हमारा ये है कि 11,111 में एक कितने आते हैं, कौन बताएगा? पहले 5 आते हैं। कैसे? 11,000 मतलब 2, 1111 मतलब 3, हो गए 5। एक कितनी बार आता है जी? यहाँ पर बिल्कुल एक्साइट है, सारे बच्चे बिल्कुल रेडी है। हम जानना चाहेंगे आपसे, 6 बार आता है, कैसे? 11,111 तो 6 बार। मेरा नाम वसावत चिरागे जी, ये बात है, आप थोड़ा सा जोर से बोलो। मेरा नाम मासी वैशाली है। मेरा नाम पूर्वी है। पूर्वी तरी। मेरा नाम खरजरिया मिताली है। मेरा नाम पंडित ईशा है। मेरा नाम बाल्या भूमिका है। मेरा नाम सपन्या धर्मेश है। सवाल फिर से मैं दोहराऊंगा कि 11,111 में कितने एक आते हैं जी? 6। कैसे? काउंटिंग करके। कैसे काउंट किया आपने? दिमाग माइंड में। हाँ, 11,111 में काउंटिंग करके। अभी हम आ पहुंचे हैं विद्या मंदिर विद्यालय वडोदरा के टेरेस पर और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं। आइए हम चेक करते हैं उनका कॉमन सेंस। मेरा नाम शाव राज है। मेरा नाम प्रजापति खुशी है। मेरा नाम परमल उर्वशी है। मेरा नाम सागर रवि है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स 10th के है और आइए जानते हैं इनके कॉमन सेंस को कौन बताएगा। मुझे लगता है 5-1 आ सकते हैं। 5-1 आ सकते हैं, कैसे? क्योंकि 11,000 है, इसीलिए पहले 2-11 आ चुके हैं और 1111 मतलब 11,111 6 नहीं है, कौन बताएगा? और 11,000 में 2-11 नहीं, 11,000 में 2-11 और 1100 के 3 जी नहीं, 2 जी और 11 और 2 तो कितना हुआ टोटल? 6 गलत जवाब जी। 7 आते हैं भाई। इनका कहना है कि 11,111 में 7-1 आते हैं, बताइए कैसे? 11,000 में 2, 1100 में 2 और 11 में 2, 6। अब इनका जवाब पलट चुका है, ये पहले बता रही थी 7, अब बता रही है 6, लेकिन ये दोनों जवाब आपके गलत जी। 5 बार आता है, कैसे? 11,002, 1101 और 1102। थोड़ा थोड़ा सा ये करीब है, सोचिए आपके कॉमन सेंस को थोड़ा सा काम में लगाइए। 7-1 आते हैं, कैसे? 11,111 इतने 2-1 आ गए, 1111 इतने 1100 इतने 3-1 आए और 1111 इतने दूसरे 2-1 आए। ये सही नहीं है। हम मौजूद हैं विद्या मंदिर विद्यालय के टीचर्स रूम में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे टीचर्स मौजूद हैं और हम इन सारे टीचर्स से यही सवाल करना चाहेंगे जो हमने यहाँ के विद्यार्थियों से, यहाँ के स्टूडेंट से किया था जी। 4 बार आता है, कैसे? 11,111 तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको बताना ये है कि 11,111 में एक कितनी बार आता है और कितने आते हैं। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, आप लिख के हमें बता सकते हैं, आप लिख कर काउंट कर भी हमें जवाब दे सकते हैं।
इनकी कोई हेल्प करना चाहे तो वो आप फ्रेंड सर्कल सारा पूरा मिलकर कर सकते हैं, आप सारे मिलकर कर सकते हैं। आप ये हम देख रहे हैं कि 11,111 में कितने एक आते हैं ये बता रहे हैं, 4 आते हैं। कैसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जुड़ चुके हैं काउंट की ओर और जी आई थिंक 6 आएंगे। 6 आएंगे, गलत जवाब। जी आइए, आइए आगे आइए। जी क्या बता रही थी आप? शायद से 4 आएंगे। शायद से 4 आएंगे। यहाँ पर विद्या मंदिर विद्यालय के स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं 11,111 कैसे काउंट किए जाते हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि 11,111 में कितने एक आते हैं। 4 बार आएगा कैसे? जो 11,000 है उसमें पहले 1,000 तो उसके अंदर काउंट हो गया, मतलब कि 1,000 प्लस काउंट हो गई है। उसके बाद में 1,100 में भी 1,000 प्लस है, वो 1,000 प्लस दोनों पे प्लस होके उसके बाद में वो 1 का 1 2 हो जाएगा, दैट इज़ अ 4 टाइम्स 11 है, मतलब 1 है। ये 1 1 ये 1 ये 1 1 2 और ये 1 तो 12,111 हो गए, 2 कट हो गए तो 4 बार एक आया। जी बिल्कुल सही जवाब दिया। सिंपल लॉजिक है कि अगर 11,000 है तो उसमें 1,000 प्लेस जो है वहाँ पे 1 है, उसके बावजूद 1,100 जो है उसके अंदर वापस 1,000 प्लेस, तो 1,000 प्लेस के अंदर मतलब प्लस हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस वजह से एक तो 1 की प्लेस जो थी वो 2 ने रिप्लेस हो गई है, इसलिए लास्ट में ओवरऑल 5 डिजिट की जो नंबर थी उसमें से 4 डिजिट ही 1 में रहेगी, बाकी 1 डिजिट 2 हो जाएगी। सबसे पहले हम 11,000 लिखेंगे, फिर 1,100 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे और उसका काउंट होगा 12,111। हम 11,111 बोल सकते हैं, उसे लिख नहीं सकते, और उसका काउंट ये होता है कि 12,111 और उसमें आते हैं 4 ए। 1,000 એટલે 4 આવે અને 100 એટલે 3 આવે તો 11,000 1,100 એટલે 11,000માં 1 11,000નો 1 પછી 1,100નો 1 અને 11નો 11 એટલે 4 11,111 इसका काउंट ऐसे होता है 1 1 1 2 1। 11,111 हम बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उसका काउंट इस तरह से होता है, और 11,111 में काउंट होता है 12,111 और इसमें एक आते हैं 1 2 3 और 4। ये इसका आंसर है कि इसका जवाब ये है, ये इसका आंसर ये है कि 11,111 में 4 1 आते हैं। तड़वी पूर्वी, इन्हें हम युमा टेलीविजन की ओर से बुक्स देते हैं, आप सभी की थोड़ी सी ताली होनी चाहिए, ये इनाम है आपको युमा टेलीविजन की ओर से। माची वैशाली को भी हम युमा टेलीविजन की ओर से छोटा सा तोहफा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों को मैं युमा टेलीविजन की ओर से गिफ्ट देना चाहूँगा, युमा टेलीविजन की ओर से एक बुक गिफ्ट देना चाहूँगा, इस मैडम को भी एक प्यारी सी भेंट देना चाहूँगा। हमारे सर जी ने जो जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, और युमा टेलीविजन की ओर से मैं उन्हें एक छोटी सी बुक भेंट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने जाना विद्या मंदिर विद्यालय में आकर के 11,111 में एक कितनी बार आते हैं। हम ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हमारे आज के इस सवाल का जवाब ये है कि 11,111 में एक कितनी बार आते हैं। इसे हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हमें लिखना होता है 11,000, उसके बाद हम लिखते हैं 1,100, उसके बाद हम लिखते हैं 11, उनका हम टोटल काउंट करते हैं और उस काउंट पर होता है 12,111। तो बिल्कुल वो 12,111 इस तरह से उसे काउंट किया जाता है और उसको हम एक गिनेंगे तो उसमें 1 के बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1 1 1, यानी 12,111 में 4 एक आता है, और यही आज के इस सवाल का सही जवाब था।